आज अभी लौटा हूँ और 30 तारीख को हैदराबाद हम लोग गए थे। वहाँ पहले दो दिन जो जवाबदारी थी वहाँ के एक विधानसभा गौशा महल गोलकुंडा जिले में आता है, हैदराबाद का है। वहाँ 48 घंटा रहने का मौका मिला। वहाँ के मंडल की बैठक, जिले की बैठक, वहाँ के अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठ के साथ बैठकर उस विधानसभा की गतिविधि के बारे में जानकारी, अलग अलग समूह से मिलना और बातचीत करने का अवसर मिला। और दो दिन आखिरी राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक हुई, जिसमें मूलतः राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जो बैठक होती है उसके बाद फिर पूरे कार्यसमिति की बैठक होती है, तो प्रमुख हमारे नेतागण अलग अलग प्रस्ताव पे अपनी बात रखे। राजनाथ सिंह जी ने राजनीतिक प्रस्ताव पे चर्चा की मानी, अमित शाह जी ने ये राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा बातचीत किया मानी, प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन पूरी तरीके से मिला और नड्डा जी का विषय रहा। और कुल मिलाकर जो ऑर्गेनाइजेशन का स्वरूप नीचे स्तर तक, ग्रॉस रूट तक ले जाने के लिए जो कार्ययोजना बनी थी, अभी जब हम लोग बूथ स्तर तक गए थे और बूथों का गठन किए थे, अब उसका क्रियान्वयन करने का समय आया है। और राष्ट्रीय कार्यसमिति में इसी बात को लेकर चर्चा हुई कि भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो गया है, 18 राज्यों में सरकार मिली जुली सरकार भी बन चुकी है, पूरे देश में आज सबसे ज़्यादा सांसद और विधायक बन गए हैं। पर उसके बाद भी कुछ राज्य बाकी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उस शीर्ष पे नहीं पहुंच पाई है। उन राज्यों में कैसे हम भारतीय जनता पार्टी को और आगे बढ़ाने की दृष्टि से कार्य योजना बना सकते हैं, उसमें असम की, उसमें जो ऐसे प्रांत हैं, केरल है, पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक में तो हमारी सरकार है, छत्तीसगढ़ है, अन्य राज्यों में हम इसका विस्तार कैसे कर सकते हैं, इस पर भी माननीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन हुआ। और प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा कि संगठन को मजबूत और गतिशील बनाने के लिए सबको काम में लगना है, और ऐसे राज्य जहां हमारी सरकार नहीं है हमको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। बड़ी बैठक में ये छोटी बातें, ऐसी चर्चा और ऐसा कोई संदर्भ ही नहीं है, अभी ना बातचीत है ना चर्चा, वो तो छत्तीसगढ़ के पत्रकारों के दिमाग की उपज है। स्पष्ट करें बोले किसी को कोई स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है, और ये बड़ा साफ विषय है। हिंदुस्तान में एक ही राजनीतिक दल है जो सांप्रदायिकता तुष्टिकरण के खिलाफ पूरे दुनिया में जाना जाता है, कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका जन्म ही हुआ तुष्टिकरण के खिलाफ। जम्मू कश्मीर में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान के खिलाफ हमने संघर्ष करके अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। इसलिए तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस करती है, भारतीय जनता पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति न की है न कभी करेगी, ये खुली किताब की तरफ दुनिया के लोग जानते हैं। ये आप भी ले सकते हो, बीजेपी की सदस्यता ऐसा है कि आप एक मिस कॉल करिए, आप सदस्य बन, वो तो सबके साथ फ़ोटो खिंचाते हैं भाई। आजकल तो राष्ट्रीय नेता तो चलते चलते फ़ोटो खींचते रहते हैं, कोई फोटो खींचने पे प्रतिबंध नहीं। मुख्यमंत्री GST की बैठक में जाते नहीं, चिट्ठी पे चिट्ठी लिखते हैं। हर बैठक में जाकर बातचीत करना चाहिए, दिन भर की बैठक होती है, 24 घंटे की बैठक होती है, बैठक में अपने सारे मुद्दों में बात करें। यहाँ बैठे बैठे बैठक में जाना नहीं और चिट्ठी लिखना क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, वो तो काउंसिल की मीटिंग का इम्पोर्टेंस इतना ही है कि जिनको बुलाया जाता है वो रहते हैं और अपने प्रस्ताव पे चर्चा कराते हैं। कांग्रेस के लोगों में वही भरा हुआ है, दूसरा कोई चीज़ सोचते नहीं। सर ये अन्यायपूर्ण रवैया, पेंशन स्कीम में ऐसा कोई क्लॉज था ही नहीं, सब जानते हैं। जब उसमें प्रावधान ही नहीं है तो इसके लिए तकनीकी दृष्टि से प्रधानमंत्री से बात करना चाहिए। सर 3 साल में 45 का कार्यक्रम अभी घोषित हुआ है और वो 15 तारीख को यहाँ विधायक और सांसद
के साथ बैठक करेंगी, बातचीत करेंगी और यहाँ से फिर मध्य प्रदेश चले जाएंगी। तो 15 तारीख को 11 बजे प्रस्तावित कार्यक्रम उनका छत्तीसगढ़ आने का है। जीएसटी रोकी गई है कोयला परिवहन को लेकर, उसमें खाद बराबर खाद की पर्याप्त मात्रा छत्तीसगढ़ को दी जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों को लाभ दिलाने के लिए व्यापारियों को 60% कोटा खाद का, डीएपी का और यूरिया सुपरफास्फेट दे रहे हैं। ओपन मार्केट में व्यापारी के पास ट्रकों में जाके खाद ले लो, सोसाइटी में एक भी बोरा खाद नहीं है। इसका मतलब है जानबूझकर कालाबाजारी को बढ़ावा दे रहे हैं सरकार, और ये सब मिलीभगत का मामला है। केंद्र के ऊपर डालने की जरूरत नहीं, जो निर्धारित कोटा है साल भर का और उसमें जो शुरू के छः महीने में जो कोटा आना चाहिए उससे ज़्यादा खाद पहुँच चुका है। मैंने केंद्रीय मंत्री से भी बात की, इसे किस नजरिए से देखते हैं? क्यों, एक वातावरण का निर्माण करना चाहिए, जो द्वंद्व बढ़ता जा रहा है और ख़ास तौर से जंगल के उन क्षेत्रों में जहाँ खड़ी फसल है उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं, बस्तियों में घुस रहे हैं। तो जो कॉरिडोर के निर्माण की कल्पना की थी, कॉरिडोर का निर्माण का काम हो नहीं पा रहा है और कॉरिडोर में एलिफेंट के लिए पर्याप्त तो वातावरण का निर्माण हो, उनके लिए पानी की व्यवस्था हो, उनके हैबिटेशन की व्यवस्था हो, चारे की व्यवस्था हो, ये कल्पना करके काम करना था, मगर उस दिशा में काम नहीं हो रहा। बीजेपी अब मरकाम जी को समझ में नहीं आ रहा, तो एक दिन क्लास लगा देंगे। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।